नागरिक संशोधन बिल के समर्थन में और अशोक गहलोत जी के स्टेटमेंट के खिलाफ ये जनता पूरी उमड़ी है और नागरिक संशोधन जो संशोधन बिल जो है राजस्थान में लागू किया जाना चाहिए उसके लिए ब्यावर क्षेत्र की सभी 36 जात के भाई बहन एक साथ में एकजुट होकर के और एकता मंच के बेलक तरह आए हैं। हम सब उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ब्यावर की जनता एक मैसेज माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास में पहुंचाना चाहेगी कि देश के साथ में मोदी जी अकेले नहीं है, पूरे क्षेत्र की जनता 36 कौम के लोग उनके साथ में खड़े हैं। मोदी जी संघर्ष करो भाई। सिख आदि जो भी कम्युनिटी विदेशों में प्रताड़ित होती है विशेषकर इस्लामिक देशों में उनके समर्थन के लिए ही ये आज ज्ञापन SDM साहब को सौंपा गया है। हम सब चाहते हैं कि इस कानून को राजस्थान के अंदर भी लागू किया जाए, पूरे भारत में इसका भारी मात्रा में समर्थन हम सब लोग करें। और ये विशेष रूप से जानकारी का विषय है कि ये बाहर रह रहे हिंदू नागरिकों के समर्थन के लिए है, इसे कोई भी भारत में रहने वाला अपने आप से ना जोड़े। वो जो नागरिक हैं वो तो हैं ही, लेकिन बाहर दुख पा रहे हिंदू नागरिक अगर कोई भारत में आना चाहे, सिख बौद्ध जैन, उनका भी हम स्वागत अपने दिल से करते हैं। यही ज्ञापन हम देने के लिए आज यहाँ पर। आपका शुभ नाम सर? नरेश पुरे। लोगों को वहाँ पे उस चक्की में पीसने दिया और उनको न्याय नहीं दिया, और अब जब इतना विलंब से न्याय दे रहे हैं तो उस न्याय को ऊपर भी मजाक उड़ाया जा रहा है, नमक छिड़का जा रहा है। ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को पराभूत करने के लिए ये विराट प्रदर्शन है, और जितने लोग आए हैं उससे सैकड़ों गुना ज्यादा लोग बाग उसके समर्थन में है। ये सब राष्ट्र विरोधी लोग और ये जो षड्यंत्र करने वाले लोग, समझ लें, वो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो चाहे किसी बड़े दल का नेता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता उसको ताकत देती है। ये किसी दल को काम नहीं है, ये भारत सरकार ने किया है, भारत की दोनों राज्यसभा और लोकसभा ने उसको बहुमत से, बड़े बहुमत से पास किया है। उसको संविधान विरोधी बताने वाले देशद्रोही लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं। और जो केंद्र सरकार का कानून है वो पूरे देश में लागू हो सकता है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की कोई औकात नहीं है कि उस राज्य जो केंद्रीय सूची के अंदर जो अधिकार है उसको ये या निरस्त कर दे। ये कोई नया राज्य बन गया क्या, नया राष्ट्र बन गया क्या राजस्थान या कोई दूसरा? कोई राज्य का मुख्यमंत्री उसको निरस्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये केंद्रीय सूची का विषय है। नागरिकता देना राजस्थान सरकार का काम नहीं है, वो कर भी नहीं सकती है।